हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल एडवांस स्टडी हब में। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है यूपी एनएचएम सीएचओ के एडमिट कार्ड ई एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आप सभी लोगों ने डाउनलोड कर लिए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी कैंडिडेट्स हैं उनके एडमिट कार्ड अभी भी डाउनलोड नहीं हो पाए हैं और वो किसी न किसी कारणवश रह गए हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों का आ रहा है इंटरनल सर्वर एरर। काफ़ी लोगों ने मुझसे बोला इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है, रिजल्ट नॉट फाउंड आ रहा है काफ़ी लोगों का। तो उन सभी लोगों के लिए यहाँ पे एक अपडेट, मैं एक छोटा सा अपडेट लेकर आया हूँ, एक छोटी सी हेल्प है उन सभी लोगों के लिए जो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाए हैं। तो अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो तो लाइक करके रखिए और कमेंट करके रखिए। जो कुछ भी सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यूपी एनएचएम सीएचओ की भर्ती से रिलेटेड जितना भी ज़्यादा अपडेट है पूरा हम आपको कवर करेंगे और पूरा का पूरा अपडेट सबसे पहले हमारे इस चैनल के थ्रू मिलेगा। और साथ ही साथ इसके बाद जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं उसमें मैं आपको बताऊंगा जो भी कैंडिडेट है जिनका एडमिट कार्ड रिजेक्ट हो गया है, मीन्स जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, उनका एडमिट कार्ड किस तरीके से नज़र आ रहा है। ठीक है, वो पेज किस तरीके से नज़र आ रहा है, और जिनका एडमिट कार्ड यूपी एनएचएम द्वारा अप्रूव्ड हो गया है उनका एडमिट कार्ड का पेज किस तरीके से नज़र आ रहा है, तो वो वीडियो मैंने बना के रख लिया है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो वीडियो आपको नहीं मिल पाएगा, इसलिए अभी सब्सक्राइब करिए, आगे वाला वीडियो भी आपको हमारे चैनल के थ्रू मिल जाएगा। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा और पूरा इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को दूंगा। आप सभी लोगों को करना क्या है, इसमें एप्लीकेंट आईडी, ठीक है, ये एप्लीकेंट आईडी है, ठीक है, आप सभी लोगों के पास है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये दो चीज़ें आपको हमारी मेल आईडी पे भेज देना है। हमारी मेल आईडी है एडवांस स्टडी हब एट द रेट जीमेल डॉट कॉम। ठीक है, तो एडवांस स्टडी हब एट द रेट जीमेल डॉट कॉम, इस पर हमें आप हमारे दोनों चीज़ों को भेज दीजिए। ठीक है, एप्लीकेंट आईडी है आपकी और डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, एक मैसेज भी आपके पास डाला होगा जब आपने फॉर्म सबमिट किया होगा, तो हो सकता है कि वो आपके पास हो, तो आप लोग डेट ऑफ बर्थ के साथ उसको भेज दीजिए मैसेज को। ठीक है, नहीं तो आप लोग हमें क्या करें, एप्लीकेंट आईडी और आपकी डेट ऑफ बर्थ ईजिली तरीके से आप लोग हमारी मेल आईडी पे भेज दीजिए और हम आपको वहाँ पे सीधे सीधे वहाँ पे आपको मेल करके आपको पूरा एडमिट कार्ड आपको भेज देंगे। काफ़ी लोगों को हमारे द्वारा मदद मिली है, उन लोगों ने हमें हमारी मेल आईडी पे अपना एप्लीकेंट आईडी और डेट ऑफ बर्थ भेज दिया था, जिससे उन लोगों को अपना अपना एडमिट कार्ड वहाँ पे मिल गया है। ठीक है, तो ये तो था आप सभी लोगों के लिए जिनका एडमिट कार्ड वहाँ पर डाउनलोड नहीं हो पा रहा था, तो ये मेरे हिसाब से एक छोटी सी हेल्प होगी उन सभी लोगों के लिए, और ये काफ़ी अच्छा भी रहेगा क्योंकि सभी लोग अपना एडमिट कार्ड देख पाएंगे और अपने अपने एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, और जिन कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उनको घबराने की बात नहीं है, आगे आने वाला वीडियोस उन सभी लोगों के लिए है जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, तो ये सब हम उसमें आपको बता देंगे। जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है किस तरीके से एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है वो भी हम अगले वाले वीडियो में आपको बता देंगे। तो अपडेट सिर्फ इतना ही था, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाया है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको सटीक से सटीक देने की इन्फॉर्मेशन पूरी देने की कोशिश की है। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, कुछ ना कुछ सवाल आपके जहन में ज़रूर आ रहा होगा, आप हमसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वो वीडियोज़ भी आप सभी लोगों को हमारे चैनल के थ्रू मिल जाएंगे। एक थैंक यू का मैसेज कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। आप सभी लोग थैंक यू का मैसेज लिखते हैं कमेंट सेक्शन में, तो थैंक यू का मैसेज ज़रूर लिखिए और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।